पहले हम आखिरी खुतबा सुने और अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम से अपने रिश्ते को मजबूत करें। आइए कम वक्त में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमारे कारी साहब ने जिन बच्चों को कुरान मजीद मुकम्मल करवाया नाज़री की सूरत में, मैं आपकी और इस खूबसूरत हाथ के अंदर मेहमान तशरीफ़ फरमाए मास्टर साहब से गुजारिश करूँगा सुबानी साहब से कि इन बच्चों को कुछ अपनी तरफ से नजराना मोहब्बत पेश करते हैं। मोहम्मद मुनीर उस्मान बेटा जी आप आ जाए। इस बच्चे ने कुरान मजीद नाज़रा की सूरत में मुकम्मल किया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। इसके बाद मोहम्मद साहिब रजा साहिब बेटा जी आ जाए। आप ये फोर क्लास का बच्चा है, कम वक्त में इसने नाज़रे को मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इसके तालीम अमल में बरकतें अता फरमाए। हाजी रमजान साहब आपसे गुजारिश है कि नाज़रा ये बच्चों ने मुकम्मल किया है, इनकी हौसला अफजाई के लिए साहब अली वाल मोहम्मद सलमान बेटा जी आप ही तशरीफ़ फरमा। अरमान अखम तसव्वुर बेटा जी आप ही तशरीफ़ आए। दो हमारी बच्चियाँ हैं, खतीजा बीबी चौधरी नज़ाकत साहब और लारे दो कारी दिलनज़री साहब की बेटी है। आप से गुजारिश है अहले मोहल्ला, अगर आप अपनी खिदमत सारे जानते रहते रहेंगे तो इंशाल्लाह इन बच्चों की तालीम दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम की ज़रूरत मुकम्मल होती रहेगी। तमाम दूरों नज़दीक से तशरीफ़ फरमाने वाले वाने वाली शख्सियात को आज की इस वबरकत महफिल में दिल की आतागराहियों से मुबारकबाद के शर्त पेश करता हूँ। बहुत से अशकानी रसूल बरगाह हैरुल्लाह नाम में नजराना मोहब्बत पेश कर सकते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वक्त की मुनासबत से आज हम आखिरी खिताब की तरफ तशरीफ फरमा रहे हैं। मैं अलामा साहब को दावते कलाम देने से पहले, क्योंकि मेरे दो मिनट बाकी हैं, मैं उसी के अंदर आज हजरत साहब कॉलेज तशरीफ़ फरमा हुए, लेकिन मुझे पेशे ज़िंदगी हुई कि तालीमी माहौल में कुछ क्लासों की तरबियत की तरतीब की वजह से, और फिर इनको मालूम है कि मैं हजरत अलामा ख़ादम रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर तलाश कर रहा था और सामवार, लेकिन बहुत सी शख्सियतों में जो अपने अपने कलाम लिखे उसमें मुफक्किर इस्लाम का कलाम उसके चार अशारात की नज़र करूँगा और एक वो शेर जो किबला पी सैयद नसीरुद्दीन नसीर के विसाल पर, क्योंकि मुझे मालूम है साहिब मुतानिश तशरीफ़ फरमा है। मर्दे खुदा का अमल, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क असल है हयात मौत है इस पर हराम। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है, रूमी फना हबशी को दवाम। वो रूमी अंग्रेजी तालीम है और जैसा फितरत को दिखाया और देखा भी है तूने, फितरत को दिखाया और देखा है तूने, आईना फितरत में देख अपनी खुदी। और उनके मकाम की बात
तेरे मकाम को अख्तर शनास क्या जाने, तेरे मकाम को अख्तर शनास क्या जाने, सितारों के अलूम तलाश करने वाले रूहानियत के अलूम क्या तलाश करें, तेरे अख्तर तेरे मकाम को अख्तर शनास क्या जाने, कि खाब है जिंदा तो ताबे सितारा तो नहीं। और लौट चलो कि अब यहां आवाज की जुस्तजू काफी है। मैंने देखा अक्सर बच्चे व्हाट्सएप सुन रहे थे, लौट चलो अब यहां आवाज की जुस्तजू काफी है, कर चले जो इनसे कलाम अब वो गुफ्तगू काफी है। लौट चलो कि अब यहां आवाज की जुस्तजू काफी है, कर चले जो इनसे कलाम अब वो गुफ्तगू काफी है। बर दिया है साथियों के मैखानों को हमने, बर दिया है साथियों के मैखानों को हमने, पिलाया है जो यहाँ जाम वो वहां तक काफी है। वहां से मुराद कुल सिरात है। आइए इस ऐलान की आखिरी मुस्तनद इल्मी शख्सियत हजरत अलामा कारी मोहम्मद नवाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि दरबारे रसालत इमाम सल्लम में अपने नजराना मोहब्बत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये उलमा की मोहब्बत में आज इसलिए खूबसूरत हार पहनाए जा रहे हैं कि किबला पीर साहब की रोशनी जो इन्होंने हमें कुरान और सुन्नत की आप फरमाते थे, रोया हूँ यार उस शख्स के पांव से लिपट रहा। यही उलमाए सुन्नत जो आपको पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं और मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन का अमली जमा बनाते हैं कि रोया हूं यार उस शख्स के पांव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। इज्जत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بأواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد الصلاة والسلام قبل سر تعظيم و تكريم بارسان محراب و منبر علماء کرام معززین سیاسی سماجی مذہبی روحانی ادبی شخصیات اور حضور کی محبت کے جام پینے اور امام الانبیاء کے ذکر پاک سے اپنے سماعتوں کے ذوق کو دوبالا کرنے اور اپنے دل کے دریچے واہ کرتے ہوئے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے حضور کی محفل میں آنے والے جمیع اشاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت خطابات ہو چکے بلا شبہ و بلا مبالغہ، اب کچھ گنجائش نہیں کہنے کی، لیکن حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں چند جملے آپ کے ذوق سماعت کی نظر کرتے ہوئے بس اپنی حاضری کو مکمل کر لوں گا۔ لنگر جب تقسیم ہوتا ہے نا، اللہ
मैं के इन नहीं तो मतलब लंगर दे ना दे उठ पाओ सुभान अल्लाह लंगर जब तकसीम लंगर जब तकसीम कितना प्यारा नाम लगता है तो जो तकसीम करने वाले होते हैं या तो बिल्कुल खसारे में रह जाते हैं या बिल्कुल फायदे में रह जाते हैं। या तो खाली हाथ रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए बचता ही कुछ नहीं है और या फिर मौज ही मौज होती है जी भर के खाते हैं पेट भर के खाते हैं और खूब खाते हैं और खा खा के फिर खाते हैं। तो जहां तो दिन तकलीफ हो वहां भी यही कुछ होता है कभी तो पहले वाला फायदे में रह जाता है और कभी सबसे आखिर में आ जाता है लेकिन अमूमन यही होता है कि जो आखिर में आता है जो पंजाबी चाखा देखने की करोड़ी बजती है आज से बात है ना करोड़ी मेरा नंबर आती है वो मैं कठी कर दी तो ये थोड़ा सा आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मोहब्बत बड़ी निगाह हासिल करने के लिए आपको जरा बेदार करने के लिए शौक पैदा करने के लिए जरा चेहरों पे रौनक लाने के लिए जरा चेहरों पे तबस्सुम और मुस्कुराहट लाने के लिए हमें जरा सांस का सहारा लेना पड़ता है। मुझे प्रोफेसर फिराज साहब ने मजदूर सलीम साहब ने जो कुर्बान दिया है वो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन उनकी शख्सियत उनके खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है तो मैंने उस हवाले से कुरान पाक की आयत को बतौर उनवान तिलावत करने की इजाजत हासिल की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए वामिलु सालिहात और फिर नेक अमल किए अच्छे अमल किए नेक अमल किए सैया जानो लहुर रहमान वुद्दा सैया जानो लहुर रहमान वुद्दा फरमाया उन ईमान वाले लोगों और अच्छे काम करने वाले लोगों की मोहब्बत को अल्लाह पुरिज्जत अपने बंदे के दिलों में डाल दिया अपने बच्चों के दिलों में डाल देता है। आज कोई भी ऐसे लोग उसका उन्वान मिलाद शरीफ हो उसका उन्वान ग्यारहवीं शरीफ हो उसका उन्वान खत्मे नबूवत हो उसका उन्वान चौथा हो उसका उन्वान चालीसवां हो उसका उन्वान उर्स हो उसकी उसका उन्वान शादी हो कोई भी तकलीफ है मजहबी माहौल में मजहबी हल्कों में मजहबी हल्कों में कोई भी तकलीफ है तो हर तकलीफ का और हर पैरा फ्लैक्स का और हर इश्तिहार के जो माथे का झूमर है वो अल्लामा शेख हदीस
रशीद है, ये सियास का वह हुक्म बयान किया गया है कि जो ईमान लाते हैं फिर अच्छी अमल करते हैं अल्लाह करीम और उनकी मोहब्बत को ईमान वालों के दिलों में डाल देते हैं। बेईमानों के दिलों में नहीं, ईमान वालों के दिलों में, मुर्दा शरीर लोगों के दिलों में नहीं, जिंदा शरीर लोगों के दिलों में, और बेवफा लोगों के दिलों में नहीं, वफादार लोगों के दिलों में, बेकदरी लोगों के दिलों में नहीं, कदरदार लोगों के दिलों में। अल्लाह अपने उस बंदे की मोहब्बत को, अकीदत को, अदब को, एहतराम को दान देता है कि जो ईमान भी लाते हैं और अच्छे अमाल भी करते हैं, ईमान तो उस दौर में इंसान बिकते थे, मंडियां लगती थी। ये तो इमाम अलंबिया का कर्म है कि हमें बिकने से, जलील होने से, रुसवा होने से और बेपरवाह होने से बचा लिया। इज्जत दी है हर रिश्ते के एतबार से, हर मनसब के एतबार से। बड़ा है तो इज्जत के लायक, छोटा है तो इज्जत के लायक, आलिम है तो इज्जत के लायक, जाहिद भी है तो इज्जत के लायक, माँ बाप है तो इज्जत के लायक, पीर उस्ताद है तो इज्जत के लायक। हर एतबार से, हर मनसब पे बैठने वाला बंदा इज्जत और इत्तेराम के लायक है, और इज्जत की कदर उसकी निगाह से देखा जाता है। ये इज्जत हुजूर की वजह से है, ये इज्जत खुदा की वजह से है, ये इज्जत दीन की वजह से है, ये इज्जत हुजूर की किस्मत है। मंडी लगी हुई है, उसमें एक गुलाम को देखने वाले देख रहे हैं पसंद करने के लिए, खरीद रहे ना, तो जिस तरह मवेशी देखे जाते हैं, पसंद की जाता है, उनका रंग भी देखा जाता है, एक एक कुर्सी को देखा जाता है, फिर उनको चला के भी देखते हैं, उसको चला के भी चलता कैसे है, ये लंगड़ा तो नहीं है, नहीं कोई देने वाला, टूटा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है, फिर चला के भी देखते हैं। अगर वो बोलने वाला है तो कहते हैं जरा इसकी बोली भी सुन ले। वो जिसकी बोली की बात कर रहे थे, जो बोलते हैं फिर उनके लोग बोली भी सुनते हैं, बोली सुन के खरीदते हैं, बोली सुनते हैं, जो उनके ताले होते हैं उस बोली की आशा करते हैं, वो कहते हैं जी बोलो, बातें भी करते हैं ना, पर उसकी बोली सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, खरीदना है, पैसे खर्च करने हैं, सौदा करना है, पैसे तो नहीं ना, तो फिर इसलिए वो गुलाम के साथ जरा बातें कहा, क्या क्या कर रहे हो, क्या कुछ कर सकते हो, क्या क्या हुनर जानते हो, क्या कुछ किया है, क्या कुछ बना सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, कौन कौन से हुनर आते हैं, गुलाम खरीदना है ना कि ताकि हमारी ये खिदमत कर सके, काम काज जानता हो, हुनर जानता हो, नौकरी चाकरी जानता हो और हमारी खिदमत ना हो तो कुछ कमा के लाभ क्या खिला सके, इसलिए सवाल किया, बताओ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हुनर है, क्या कुछ है, तो सारी बातें जान चुके ना, तो कहते हैं ठीक है तू हमें पसंद है, अब तू बता तेरी भी कोई शर्त है। उसने बताया मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी हुनर है, ये भी फन है, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये पका सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सब कुछ बता सकता हूँ। उसने कहा ठीक है हमें पसंद है, बता तेरी कोई बात दिल की है, करना चाहता है, कोई शर्त है तो बता। उसने एक जुमला बोला, उसने कहा बस मेरी एक ही शर्त है, एक ही शर्त है, कौन सी, उसने कहा मुझे वो खरीदे, काम जो मर्जी है ले, मैं करने के लिए तैयार हूं, इनकार नहीं करूंगा और काम चोरी भी नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, और जब मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं वो काम चोरी नहीं करते, वो बदियाती नहीं करते, वो खयानत नहीं करते, ना माल में खयानत करते हैं, ना वक्त में खयानत करते हैं, ना अमानत में खयानत करते हैं, ना मामलात में खयानत करते हैं, ना इबादात में खयानत करते हैं, ना किसी के हक में खयानत करते हैं, जो मोहम्मद अरबी के गुलाम है वो अपना काम पूरा पूरा करते हैं, मेहनत पूरी पूरी करते हैं, हलाल करके खाते हैं, हलाल करके खाते हैं।
صدی میں علامہ عزیز الدین کوکب اللہ پاک کو ساتھ وکیل تھے اپنی رحمت کا نظر آمین وجن تقریر کر لگی ڈاڑی صدی اساں تے سچے پسینے نکل آیا پسینہ ہے جناب علامہ سمانہ سمانہ صاحب تقریر کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جناب چہرے تے بھی تے پہچان دیو پسینہ سبحان اللہ او بار بار وقت دے سن پہ خون پسینے دی کمائی حق لال دیئے چاندیا جو محنت کرنے والے ہیں اتنی تیارداری سے کام کریں اپنے خون پسینے کی کمائی اکرار دکھا ہر کام کروں گا ہر کام کروں گا ہر جہد حکم کی تعمیل کروں گا تمہاری ڈیوٹی کروں گا تمہارا ہر حکم میں سارا کام ہوگا لیکن میری ایک ہی شرط ہے کون سی اس نے کہا شرط اتنی سی ہے جب نماز کا وقت ہو نا جب نماز کا وقت ہو تو مجھے چھٹی لینا مجھے چھٹی دینا کہ میں مسجد نبوی شریف میں جا کے نماز ادا کر سکوں حضور کی اقتدا میں سبحان اللہ توجہ نہیں دیا حضور کی اقتدا میں نماز پڑھنے سے بس مجھے نہ روکنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جایا کروں گا حضور کی اقتدا میں بس اس سے نہ روکنا اس سے نہ روکنا بس میری یہ شرط ہے سبحان اللہ اب یہاں سے ابھی رسول کی نماز سے محبت بھی چھڑک رہی ہے مسجد نبوی سے پیار بھی چھڑک رہا ہے اور حضور کی محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے تو دوستان گرامی قدر سیاپی میں ایک شرط لگائی ہے کہ بس نماز کی چھٹی دے دینا نماز کی چھٹی دے دینا کہ نماز بڑی ضروری ہے نماز کی چھٹی نہیں ہے اگر تو عزت کی جانب سے نماز کی چھٹی کسی کو نہیں ہے نہ کسی بیمار کو چھٹی ہے نہ تندرست کو چھٹی ہے نہ مزدور کو چھٹی ہے نہ کسی کاریگر کو چھٹی ہے نہ عالم کو چھٹی ہے نہ کسی درد والا جاہل کو چھٹی ہے کسی کو بھی کوئی چھٹی نہیں ہے نماز سبھی کے لیے فرض ہے ہر کسی کو ادا کرنی ہے جو جہاں بھی ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے کام کاج کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی طرف منہ کو موڑ دینا چاہیے اور آپ سے اپنا تعلق چھوڑ دینا چاہیے اور دنیا سے
करीम लजपाल है। लजपाल कितने लजपाल फरमाते हैं, कितने करीम है इमाम अंबिया ने देखा आज वो मेरा आशिक वो मेरा दीवाना वो चाहने वाला वो मेरा मुक्तदी नहीं आया मस्जिद में वो मुझसे प्यार करने वाला वो मेरी इत्तला में नमाज पढ़ने की शर्त लगाने वाला आज नहीं आया। हुजूर ने पूछा ना खैर है तो फरमा सुनी किथे आज बेली किथे आज बेली किथे क्यों नहीं आया सबने कहा तो से हुजूर है कि बीमार बेचारा बड़ा सख्त बीमार में है बीमार है फरमाया तुझे चांदा की है ¡Suscríbete al canal!
मकसद है, वो मकसद इतना सा है, समझने वाले तो समझ गए हैं। पास्टर साहब ये सर हिला के गाइड कर रहे हैं कि हां हम समझ गए हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। हुजूर की इतनी ताकीद करना, फिर उसका घर पता मालूम कराना, फिर जब वो नमाज पढ़ने के लिए आया तो हाल पूछना, पता चला बीमार है तो फिर बीमार उसी के लिए जाना, इलाज कराने जाना, फिर जब वो चला गया तो हमें कब्र तैयार करो और जनाजे के लिए मुझे इत्तला करना और जनाजा पढ़ाने खुद जाना। वजह क्या है? उसने तो इतना ही जुमला कहा था, इतना जुमला कहा था कि बस कोई शर्त नहीं है और बस वही खरीद ले, वो खरीद ले, नौकर की नखरा की काम भी करना, जरा भी खरीद ले, पर बस एक शर्त है, एक शर्त है कि मुझे नमाज पढ़ने से मस्जिद नबी में हुजूर की इत्तला में नमाज पढ़ने से ना रोके, बस वो मुझे खरीद ले, मैं उसके नाम पे बिकने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो खरीदने में बेदाम बिकने के लिए तैयार हूँ। अरे इतनी बात करें, हुजूर सुन ले, इतनी लाज रखे, इतनी मेहरबानी फरमाए, इतनी उसके जज्बात की कदर करें, उनके एहसास की कदर करें, ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझ पे मरने वाला है, ये मुझ पे फिदा है, ये मेरा आशिक है, ये मेरा दीवाना है, ये मुझ पे फरिश्ता है, उसके जज्बात की इतनी कदर करें। एडा मुल्क
आज चंद रुपयों की खातिर लोग अपना ईमान और जमीन सब कुछ बेच देते हैं, चंद रुपयों की खातिर, दुनियावी मफादात की खातिर, मादी सहूलतों की खातिर, मादी सहूलतों की खातिर दीन ईमान जमीन नजरिया सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन उस शख्सियत की अजमत को, उनके खुलूस को, उनकी वफा को सलाम है कि उन्होंने दीन का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया, जमीन का सौदा नहीं किया, बल्कि नामूस रिसालत पे डटे रहे और पूरी उम्मत को डटने का दर्स दिया। ये बातें खादर रिजवी के नाम नहीं है, मन सब अभी सब तुलो दुश्मनों को, इससे बड़ी तकलीफ होती है, इससे भी तकलीफ होती है। ये हुजूर का फरमान है, ये हुजूर के दुश्मनों के सर को काटना ये किसी अदालत का, किसी जज का फैसला नहीं, किसी पार्लियामेंट का फैसला नहीं, ये इमाम अल अंबिया का फैसला है। हमा यंते कौनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यूहा, उस जमान का ये फैसला है कि जिसके वहीये खुदा जारी हो, जो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अपने ख्वाहिश से नहीं बोलते। इस नामूस रिसालत को लोगों ने समझे ही नहीं है, ये तो समझते थे ना फिर रोते थे, फिर रोते थे। वो बाबा जी के मैंने गरीब की सुना, फरमाते हैं कि मेरे पास एक सैयद बादशाह आए और जुमा पढ़ने अक्सर आया करते थे, याद है ना, तो उन्होंने वाक्य सुनाया। कहते हैं कि हमारे इलाके में एक मजसूब थे, मुझे लोगों ने बताया कि वो बाबा मजसूब है। मैंने कहा चलो यार मजसूब है, सच्चा मजसूब है, उसके बाद अल्लाह का वली है, तो मेरे ऐसे बंदे के करीब जाना चाहिए, ज्यारत करनी चाहिए, चंद घड़ी उनके सबक में बैठना चाहिए। सच्चा वली है Fuck it!
वो बाबा जी पीछे कैसे हटे थे, ये बातें जान के अनजान है, तो अनजान है ना मौजूद है, लेकिन ये जान के ये सब कुछ इल्म होने के बावजूद हुजूर की इज्जत और नामूस का इतना नाजुक मसला है, जिस बारगाह में ऊंची आवाज की इजाजत नहीं है, नबी हुजूर की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को पस्त रखो, अपनी आवाजें पस्त रखो, उस बारगाह में जहां जरा सी आवाज ऊंची करने की इजाजत दी जाए वहां खुद का टूर बनाता फिर हुजूर की तरह वाला गुस्ताखाना खापेशा करे, फिर बेरे इसके मुकाबले के ऐलान करे, उम्मत मुस्लिमा सोई रहे, जानते हैं ये कितनी हसास मंजर है, कितना हसास मसला है। हजरत इमाम मालिक से पूछा किसी ने कि हजरत जी फला इलाके में किसी ने हुजूर की गुस्ताखी कर दी है, बेअदबी कर दी है, क्या करना चाहिए? फरमाया उस गुस्ताखी रसूल के वास्ते जहन्नम कर दो, हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेना चाहिए। कहा दयात पर कुफर का जोर है, मुसलमानों की कुव्वत नहीं है, काफिरों की कुव्वत है, हम कमजोर है, तादाद में थोड़े हैं, वसाइल नहीं है, उनसे टक्कर नहीं ले सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, क्या करें? फरमाया अगर पूरी उम्मत मिल के हुजूर की इज्जत तो नामूस पे पैदा न दे सके और हुजूर के दुश्मनों को वास्ते जहन्नम न कर सके तो फरमाया फिर उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है, उनको मार दो, इतना सास मसला है। ये सब कुछ पढ़ के अमीर मुजाहिदीन कैसे खामोश रहते हैं, कैसे खामोश रहते हैं? वाज़ हो अल्लाह, कुरान की आयत पढ़ के हुजूर की इज्जत करो, हुजूर की इज्जत करो, तो जिस तरह सहाबे कराम ने हुजूर की इज्जत की और हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया, हुजूर की नामूस पे पहरा दिया, हुजूर की खत्मे नबूवत के अकीदे पे पहरा दिया, हुजूर के ताज और तख्त खत्मे नबूवत की हिफाजत की, क्योंकि वो जानते थे ना हजरत सैयद सिद्दीक अकबर के अल्लाह तआला को हिजरत की रात हुजूर के साथ जा रहे हैं ना, तो कभी दौड़ के दाएं जाते हैं, कभी दौड़ के बाएं जाते हैं, कभी दौड़ के आगे जाते हैं, तो इमाम अल-अंबिया ने पूछा सिद्दीक अकबर ये कौन सा तरीका चलने का, कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे, ये क्या मसला है, एक तरफ क्यों नहीं चलते हैं? तो दारे सदाकत को तुम क्या जानो, ये चश्म के सुगे लगाने वाला, ये शराब के जाम पे जाम पीने वाला, ये भंग होश के पीने वाला, ये दारे सदाकत की इज्जत को क्या जाने सिद्दीक अकबर की सस्ती कर रहा है। तो दोस्तों की कदर है, कितनी उनकी कुर्बानी है, कितनी उनकी वफा है, वो वफा का पैकर है, वो करने वाला सदाकत का नंबरदार है, हुजूर से वफा का हक अदा कर दिया, हुजूर की जान निसारी का हक अदा कर दिया, मार की बारी आई तो सारा मार उठा के मुस्तफा के कदमों में, जब जान की बारी आती है तो जान किस तरह पेश करते हैं, हिजरत की रात कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर ये कौन सा चलने का तरीका है, एक तरफ जो भी चलते और गा
رہی ہے امام الانبیاء کا یہ اعلان سن کر حضرت طلحہ بولے عرض کرتے سرکار لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں حضور کے سامنے وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی ڈھال سے ہر تیر کو روکتے ہیں تلوار کو روکتے ہیں ہر وار کو روکتے ہیں سر
دین کا یوں لیکن اس کے لیے دین کا پاور میں آنا ضروری ہے. اس کے لیے ہر اس آواز کے ساتھ آواز ملاؤ, ہر اس بندے کے گندے کے ساتھ گندہ ملاؤ, اور ہر ایک کے ساتھ لبیک کا نعرہ لگاؤ کہ حضور کے دین کے لیے قدم بڑھا رہا ہوں, کہ حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہے, حضور کی عزت کے جو پہردار ہے, حضور کے ناموس کے جو محافظ ہے, حضور کے عقیدے خط نبوت کے جو علم بردار ہے, اس کے ساتھ کندھا ملاؤ اور اس کے بعد میں لبیک کہو. اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ چند جملے, محدود وقت میں کچھ بھی نہیں, لیکن مورخ انشاءاللہ قیامت تک لکھتا رہے گا, یقین ہے لکھتا رہے گا, لکھتا رہے گا. لیکن علامہ خاطر حسین رضوی کی شخصیت کا, ان کے خدمات کا احاطہ و ادراک کبھی نہیں کر پائے گا. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ.
आजीज है जिस इंतजार कर रहे हैं या खालिक कायनात हम सब मुसलमानों की नेक जायज हदात और मकासिद पूरे फरमा या अल्लाह ने जो बदल से जाएगी इसको अपनी बरकत शफ़ात कबूलियत का दर्जा अता फरमा इसका स्वास्थ्य बाबू नबी अल वक्त में मामू नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कुछ में पेश करते हैं या अल्लाह शफ़ात कबूलियत का दर्जा अता फरमा आपके वसीले जलीला से तमाम जितने भी अंबिया और रसूल और पाक अज़वाज मुतहररात शुहदा इकराम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला जो भी लोग जाए जो कुछ भी पढ़ा सुना सबका सवाब क़िबला मेरे मुजाहिदीन फातिमा हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला को पेश करना या अल्लाह शफ़ी कबूलियत का दर्जा अता फरमा या अल्लाह उस बंदे ने हमें लब्बाई का यासीन या रसूलुल्लाह का नारा सिखाया ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा सिखाया या अल्लाह ये तो बड़े अजीम नारे हैं या अल्लाह हमारा वजदान जही कहता है कि जही उस बंदे की बख्शिश के लिए काफ़ी या अल्लाह उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमा या अल्लाह दर्जात में बुलंदी अता फरमा जन्नत और फिरदौस में आला और मकाम अता फरमा या अल्लाह जिन अहबाब ने जिस तरह से भी इस महफिल में तआवुन किया या अल्लाह सब के सामने सबकी बरकत में सबसे कबूलियत का दर्जा अता फरमा या अल्लाह जो बीमार है शफाए कामला अजल नसीब फरमा या अल्लाह जो मुसलमान कलमा गुजार और फना से दर बका की तरफ पहुंच कर के सबकी मगफरत फरमा या अल्लाह जो भी औलाद है उनको दरिंदा और सालिह औलाद अता फरमा या अल्लाह जो बेरोजगार है उनके रोजगार का बंदोबस्त फरमा या अल्लाह सब मुसलमानों को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह आपके नामोस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह हमें गैरत ईमानी तौफीक अता फरमा या अल्लाह अपने हबीब के सबके हम सारे मुसलमान हैं लेकिन या अल्लाह सिर्फ नाम के मुसलमान हैं या अल्लाह हमारे दिल के अंदर दिमाग के अंदर खून के हरम कतरे के अंदर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा اللهم صل وسلم على من ابنا على حبيبك خير الخلق كله ورفق دورنا على الله اللهم صل وسلم على ابي بكر لا اله الا الله محمد رسول الله خالد بن عبد الله मैं फोटो बना के लेके आऊंगी।